मैं आपको आज दो लोकेशन दिखाने ले जा रहा हूँ आपको, और इसमें से एक दोनों लोकेशन प्राइम लोकेशंस हैं। एक लोकेशन आपकी बिल्कुल रिहाइश से लगती हुई लोकेशन है जिसमें आप आज भी घर बनाकर रह सकते हैं, और दूसरी लोकेशन के बारे में मैं बात करूँ तो वो इतनी प्राइम है कि आपके लिए होटल, स्कूल और मतलब अदर चीज़ों के लिए जो ऑन रोड लोकेशन है वो मैं आपको आज दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ आपको। चलो अब लेट्स गो, चलते हैं और देखते हैं कि ये साइट्स किस तरह की लगती हैं आपको। हमारे चैनल पे आपका प्यार, मोहब्बत और दुआएं बरसती रहें, उसी के लिए मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट आल्सो करें, और अगर आने वाली वीडियो के लिए, अपकमिंग वीडियो के लिए सब बेल आइकन ज़रूर दबाएं जो आपको पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो भी हम लोग नई वीडियो डालते हैं, सर्च करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, सिर्फ आपके लिए करते हैं, जो कि आपको तो एक नया जो मार्केट में चल रहा है वो यहाँ पर आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों। हेलो गाइज, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। स्टार्ट हम लोग का अक्षरधाम से हो रहा है। अक्षर जैसे हमारा डीएनडी फ्लाईओवर, ये डीएनडी फ्लाईओवर से हम लोग वहाँ पे आते हैं, महामाया फ्लाईओवर से जो जेवर के लिए जाता है, और ये हमारा रूट टोटल, हमारा जो अगर किलोमीटर में देखें वहाँ से हमारा नोएडा एक्सप्रेस टोटल यहाँ से जेवर तक का, ये आगरा तक का जो है ये टोटल 168 किलोमीटर तक आता है, ठीक है। और टोटल इस एरिया में जो आपका इसमें जो आता है गोल्फ कोर्स हो गया, ये जेपी स्पोर्ट्स में गोल्फ कोर्स है, और गोल्फ और आपका जेपी स्पोर्ट्स है, और इसमें फार्मूला रेस वन है जिसमें महंगी महंगी कोर्स आती है। और यहाँ पे हम जो यूनिवर्सिटी नियर माई पे पड़ता है, जो हम जेवर की नियर में बात करें तो 15 मिनट की दूरी पे या 20 मिनट की दूरी पे मैक्सिमम आता है, वो आपका है पहला तो अमेठी यूनिवर्सिटी भी हो गया, सिक्किम यूनिवर्सिटी हो गया, गलगोटी यूनिवर्सिटी, ये सब टॉप 10 में यूनिवर्सिटियाँ आती हैं। और कॉलेज आ गया, वो स्कूल उसी के हैं, अमेठी यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल एजुकेशन का हो गया, तो ये सब आपका लोकेशन में इसके नियर में जेवर में आता है, ठीक है। और टोटल इस लाइन को जो हम 6 लाइन में अप्रूवल है गवर्नमेंट द्वारा, इस लेन को हम 6 लाइन में बोलते हैं, बट इसको जो एक्सटेंड किया गया है टोटली 8 लाइन में किया गया है कि हम इसको 8 तक कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो जेवर का है, जेवर हमारी अभी एक्वा लाइन अप्रूवल हुए, एक्वा लाइन तक हमारा जो मेट्रो नियर में आने वाला है जेवर का, वो एक्वा लाइन का, ठीक है। और आपका ये आप जेवर का देख लीजिए, जेवर में अभी जो अभी स्टार्ट हुआ है हमारे धीरेन्द्र सिंह ने उद्घाटन किया हुआ है, ये तो हो गया है जेवर एयरपोर्ट्स का, तो अभी तो सिस्टम काम चालू हो गया है, वर्किंग भी चल रही है। नियर टोटल 168 किलोमीटर, और इसमें आपका टोटल जो गौतम बुद्ध हमारे डिस्ट्रिक्ट में आता है, टोटल वहाँ तक हमारे तो तीन टोल लगते हैं, पहला जेवर टोल, दमकौर, दादरी, ये आपका टोल आता है। एक कुबेर ऐसे टोल है, कुबेर टोल भी एक आता है आगे, एक ही टोल पे उधर जाएंगे। हाँ तो वो तो हम तीनों बताओ, तो हाँ। तीन टोल इसमें आते हैं, तीन टोल हैं, ठीक है, टोटल हमारे तीन टोल आते हैं। और इसमें अगर हम गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में देखें, गौतम बुद्ध का टोटल एरिया का हम 1400 स्क्वायर मीटर में है, टोटल 1400 स्क्वायर मीटर में गौतम बुद्ध नगर में टोटल में, और ये आपका सभी 5 सब डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है, दादरी, दमकौर और आपका जेवर, फिर हाँ इतना में आपका आ गया है, इसमें 5 सब डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया, अदर से और भी हैं, एक दो और हैं तो उसमें याद है, तो इतना फाइनल है। और आपका जो अभी नियर में आपका है टेक जोन है आपका, अगर नियर बाई अगर एक आईटी जोन देखें तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है, कंपनियां हैं टेक जोन में, फिर पतंजलि फूड पार्क भी वहाँ पे नियर में आ जाता है, और आपका पतंजलि फूड पार्क अभी अप्रूवल हुआ है, चल रहा है अभी वर्किंग में, ठीक है। और आपका देख ले तो वहाँ पे एक अगर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और बस की सुविधा भी आ जाती है, बस की सुविधा आपकी जेवर लेकर, हाँ बस के आप देख ही रहे, लेन का जाहिर है बस का अप्रूवल है, आपको मेट्रो भी आपको यहाँ तक 143-150 तक मिल जाता है, ठीक है। ये टोटल, थैंक यू सर, ये है जेवर टोला जो जेवर टप्पल में आता है, टप्पल में आएगा आपका, ये आपका टोटल जेवर टप्पल, और ये हम फर्स्ट टैक्स में, ऑटोमेटिक
यहाँ से कितने मिनट लगता है अपना विजिट? अपना साइड पे पहुँचने में यहाँ से 5 से 6 मिनट। प्रोजेक्ट का नाम क्या है सर? सर अभी अभी जो हमारे भाई ने आप लोगों को बताया था पीछे टप्पल और जेवर टोल के बारे में, तो ये जो अभी हम कट से उतर रहे हैं नीचे की तरफ, ये रोड अपनी जा रही है अलीगढ़ को, अलीगढ़। और इसी रोड से हम अगर लेफ्ट चले जाते हैं तो वो रास्ता आपको अलीगढ़ खैर होते हुए अलीगढ़ की तरफ ले जा रही है, और जो अगर हम राइट की तरफ लेते हैं तो ये टप्पल होती हुई अपने प्रोजेक्ट होती हुई जेवर की तरफ जाती है। जेवर से पहले ही एक रोड कट रही है लेफ्ट को, जो पलवल फरीदाबाद हाईवे है वो। आगे अगर हम निकल जाते हैं राइट को जेवर से तो वो बुलंदशहर की तरफ जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भाइयों, ये जो रोड आ गई है ये टी पॉइंट आकार का बन रहा है। ये टी पॉइंट से अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो अलीगढ़ की तरफ चले जाएंगे, और राइट लेते हैं तो हम जेवर टप्पल की तरफ जाएंगे। अभी हम टप्पल होते हुए अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे और प्रोजेक्ट के बाद जेवर की तरफ जाएंगे। जी अभी हम यहाँ से राइट ले रहे हैं, और ये अगर हम स्टेट ये जो पुलिस वाले बैठे हैं तो अगर इधर से लेते हैं तो वो फिर से हम यमुना एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाएंगे जो आगरा की तरफ जा रही है। ये रोड जो जा रही है ये अपने टप्पल की तरफ जा रही है जेवर की तरफ, और जो अभी आप ऊपर फ्लाईओवर देख रहे हैं अंडरपास में से अभी हम नीचे से निकल के टप्पल की तरफ जाएंगे, ये इसी हाईवे से हम अभी जस्ट उतरे हैं और उतर के अभी हम टप्पल की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एग्जिट नंबर 5 से लेकर बोलते हैं। ये सर हम टोल से जब उतरे थे, जब आपको दिखाया था हमने, ये वीडियो में आप देख रहे हैं इंडियन पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप जो के अपने टप्पल में लगता है। और ये राइट साइड में जो आपको हम कैमरा घुमा रहे हैं देख रहे हैं आप, ये ट्रक जा रही है देख सकते हैं आप, ये हमारी फिर से नोएडा एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस वे पे जा रही है। ये रोड हाईवे पे ले लेंगे, जाते हम नोएडा होते हुए दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। ये हम टप्पल में चल रहे हैं अभी, ये टप्पल का एरिया है, जेवर की ओर चल रहे हैं, जेवर की ओर चल रहे हैं। ये देख सकते हैं सर रोड में कुछ काम भी हो रहे हैं, मिट्टी काम चालू है। ये पहले आज से 2 साल पहले ये सिंगल रोड हुआ करती थी, जब मैं आ रहा हूँ जब से यहाँ पे ये सिंगल रोड हुआ करती थी जिसमें एक बस और एक कार को निकलने में बहुत और सुविधा होती थी, लेकिन अभी ये फोर लेन हाईवे बन चुका है आप देख सकते हैं। और ये मार्केटें हैं, आबादी है, आबादी से लगा हुआ हमारा प्रोजेक्ट है। अभी हम कुछ देर में प्रोजेक्ट पे प्रवेश करेंगे। इस वीडियो में आपको सब कुछ दिख रहा होगा क्लियर। ये अस्पताल है टप्पल का सर, सरकारी गवर्नमेंट अस्पताल। ये टप्पल की मार्केट कहलाती है। और ये आप राइट में देख सकते हैं सर, ये राइट में टप्पल थाना है, जनपद अलीगढ़ में आता है। ये जो आप देख सकते हैं ये पहले रोड छोटी थी, अभी रोड बड़ी है, ये मकानें टूटी हुई है, ये देख सकते हैं आप टूटी हुई मकान दुकानें थी, ये सारी दुकान टूट के पीछे गई है, ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा। ये तोड़ दिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा ये रोड के कारण, और अपना जो जेवर एयरपोर्ट आने वाला है उसके कारण ये तोड़ के रोड को बड़ा किया गया है। अब यहाँ से आधे मिनट 30 सेकेंड में हम अपने प्रोजेक्ट के नीचे उतरेंगे, जो हमारी प्रोजेक्ट आ रही है या आ चुकी है, रुक्मिणी सिटी। हाँ, नेक्स्ट रुक्मिणी सिटी के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है।
ये हम ये जो आपको सामने दुकानें दिख रही हैं छोटी सी, इससे हम लिफ्ट नीचे उतरेंगे। ये सर गांव से लगी हुई आबादी है, ये आप देख सकते हैं, ये गांव है, इसमें ऑलरेडी रोड कटी हुई है। ये लोग चल रहे हैं, इधर भैंसे बंधी है, भाइयों हम आप अपने अपने प्रोजेक्ट पे उतर चुके हैं। ये यहाँ पे हमारी लैंड कंपनी की चालू है, ये जो आप खुली जगह देख रहे हैं जहाँ तक, ये हमारी प्रोजेक्ट है नेक्स्ट रुकमनी सिटी। हाँ तो आप बाहर चलते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी ये हमारी सिर्फ लैंड है, इसमें हमें अभी बहुत परिवर्तन करना है, रोड बनाना है, अभी रोड प्लॉटें काटनी है। ये खाली लैंड आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में, आगे वीडियो जब हम लेके आएंगे तो आपको सब कुछ दिखाएंगे। आगे वीडियो में आपको रोड्स का प्लॉट्स, लाइट के खंभे वगैरह जो भी है आगे वीडियो में हम जरूर लेके आएंगे, आप अवश्य देख पाएंगे। धन्यवाद, हमारी वीडियो में आगे आप जुड़िए और आपको हम इस प्रोजेक्ट के बारे। दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर सारे मकान बने हुए हैं, पहले से ही प्लॉट कटे हुए हैं और मकान बने हुए हैं, और इसी से लगी हुई लैंड ये है जो हम लोग आगे प्लॉटिंग में ले रहे हैं, जिसके पूरे मैप और वो आगे हम लोग हम आपको शेयर करेंगे। और ये सारे पूरी प्लॉटिंग में ऑलरेडी मकान बने हुए हैं, पूरा रिहायश के बिल्कुल साथ में ये लैंड है, आप आज भी बना के रह सकते हैं और अपना घेर के अपना काम कर सकते हैं। लोकेशन पे आपको लेके आया हूँ, ये लोकेशन मेन रोड की लोकेशन है, मेन रोड में आपके ढाबे के साथ में ही ये आपका पूरा प्लॉट है जो आपका रोड से बिल्कुल टच होता हुआ है। ये आपकी पूरी लैंड है, ये आप ये लैंड आप देख पा रहे हैं पूरी रोड से बिल्कुल टच की लैंड है, और ये आपका एक्सप्रेसवे टप्पल में आती है ये लैंड पूरी, ये आपकी पूरी लैंड है आप देख पा रहे हैं। लोग रहने के लिए आएंगे, लोग करेंगे। हाँ 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 सही है, की वजह ये है।